HRTC हिमाचल प्रदेश में यात्रा का मुख्य साधन है। इस वर्ष HRTC अपने सफर के 50 वर्ष पूरे कर रहा है, जिसके उपलक्ष्य पर HRTC का स्वर्ण जयंती मना रहा है। 50 वर्षों के यादगार और संघर्षशील यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए HRTC शिमला MD कार्यालय में बस संग्रहालय बनाने जा रहा है, जिसमें अब तक के बसों के मॉडल, पुरानी टिकटें, बसों की पुरानी तस्वीरें और कल पुर्जे संजोए जाएंगे, जो स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा। MD HRTC रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि HRTC स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर को स्वर्ण जयंती उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। निगम HRTC बसों की वीडियो और फोटो स्पर्धा आयोजित कर चुका है। इसी कड़ी में अब HRTC बस संग्रहालय बनाने जा रहा है, जिसमें 1974 से 2024 तक निगम के बेड़े में शामिल हुई हर प्रकार की बसों के मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। निगम ने बसों के मॉडल बनवाने शुरू कर दिए हैं। 6 तरह की बसों के मॉडल तैयार हो चुके हैं, अन्य पर काम जारी है। बस संग्रहालय में प्रदेश में बस सेवा की शुरुआत से लेकर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन तक के सफर के मॉडल को दिखाया जाएगा। वहीं रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि HRTC 30 मई तक अपने सभी 31 यूनिट को प्रदेश में कैशलेस कर लेगा। पहले चरण में शिमला लोकल बसों को कैशलेस कर दिया गया है और वॉल्वो बसों को भी कैशलेस कर दिया गया है। दूसरे चरण में नाहन, सोलन, पालमपुर, सुंदरनगर, हमीरपुर, मंडी विलासपुर, धर्मशाला, सरकाघाट, ऊना, बैजनाथ, धर्मपुर यूनिट को 30 अप्रैल तक कैशलेस बनाने का टारगेट है, जबकि अन्य यूनिट को 31 मई तक कैशलेस कर दिया जाएगा। इसके बाद NCMC कार्ड को भी शुरू करने का प्लान HRTC ने बना दिया है। हमारे HRTC के अब 50 ईयर्स चले हुए हैं और 2 अक्टूबर 2024 को हमारे 50 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उस 50 ईयर्स सेलिब्रेशन का में कई बिंदु हैं, जिसमें मतलब हम साथ साथ में अपने नए मार्केटिंग कैंपेन के साथ साथ एक छोटा सा मिनी म्यूजियम, साथ साथ में कॉफ़ी टेबल बुक, डॉक्यूमेंट्री, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके साथ साथ मतलब मिनी म्यूजियम जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, वेरियस बस मॉडल्स, उन सारी चीज़ों को हम दर्शाना चाहते हैं और एक उसमें हम ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहते, तो हम एग्जिस्टिंग अपने ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ही उसको एक तरह से वॉक थ्रू एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, न मात्र अपने एम्प्लॉयज़ को, बस वो सब लोग जो HRTC के ऑफिस में आए या जो भी जो दिलचस्पी भी दिखाना चाहते हों, देखना चाहते हों, वो आके देख सकते हैं। ये तो मॉडल्स होंगे इसमें। देखिए हमारा पर्पस क्या, हमारा ये पर्पस है कि हम अपना पास्ट दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंट दिखाना चाहते हैं और फ्यूचर दिखाना चाहते हैं। तो लगभग 6 या 7 जनरेशन बसेस की आ गई हैं। 1960s में एक डॉज का मॉडल चलता था, आज के दिन में इलेक्ट्रिक बस की बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में 6 या 7 चेंजेस आए हैं बीच में, हम सबको दर्शाना चाहते हैं। साथ साथ में आजकल हम राइड विद प्राइड भी कभी विद इन शिमला हम दे रहे हैं, उस ई सुप्रोज भी चला रहे हैं पूरे स्टेट में, हम टेम्पो ट्रैवलर्स चला रहे हैं। तो हम बस एक तरह से ना अपने जो यूज़र्स हैं, पैसेंजर्स हैं और जो लोग दिलचस्पी रखते हैं इस सेक्टर में, उनके लिए छोटा सा अपना एक रियल मॉडल्स क्रिएट करके उनको दिखाना चाहते हैं। हमारा टारगेट है कि 30 मई तक पूरे हिमाचल के समस्त जो हमारे 31 यूनिट्स हैं, उन सब में हम कैशलेस हो जाएंगे। और हमने इसका एक रोल आउट प्लान बनाया है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिमला लोकल के साथ साथ हमारी वॉल्वो बसेज में भी अधिकतम हमने रोल आउट कर दिया है। हम इसके साथ साथ नाहन, सोलन, पालमपुर, सुंदरनगर, हमीरपुर, धर्मशाला, मंडी, बिलासपुर, नगरोटा, सरकाघाट, बैजनाथ, ऊना और धर्मपुर में हमारा टारगेट है 30 अप्रैल का। मोटा मोटा ये टारगेट है, 5-6 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये हमारा टारगेट है इन ब्लॉक्स का। उसके बाद हम अगले 16 पे, अगले 15 जो बचते हैं उन पे चले जाएंगे, तो हम मानते हैं महीने के अंदर हम उनको भी वहाँ भी लागू कर देंगे। इसके साथ साथ जो हमारा अगला है वो है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो HRTC पूरे प्रदेश में पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी जो NCMC कार्ड भी अप्लाई करेगी। बहुत कम कॉरपोरेशंस हैं पूरे देश में जिन्होंने इसको अप्लाई किया है, तो ये भी हमारे लिए एक टारगेट है और हम इसको पूरी तरह से अचीव करेंगे। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।